Vivo V27 pro इस हैंडसेट की इंडिया में सेल स्टार्ट हो चुकी है सबसे पहले देख लेते हैं कि vivo V27 Pro के कितने वेरिएंट्स हैं और उन वेरिएंट्स के हिसाब से प्राइसेस क्या सेट की गई हैं। तो इसमें जो आपको बेस वेरिएंट जो कि फर्स्ट वेरिएंट कह लो इसमें जो आपको रैम मिलेगी वो मिलेगी एट गीगा और स्टोरेज मिलेगी वन ट्वेंटी एट तो इसकी जो प्राइस सेट की है इंडियन रुपीज में वो है थर्टी इसके बाद इसका जो सेकंड वेरिएंट है उसकी रैम आपको मिलेगी एट गीगा और स्टोरेज मिलेगी टू फिफ्टी सिक्स इसकी जो प्राइस सेट की है इंडियन रुपीज में वो है थर्टी इसके बाद जो लास्ट थर्ड वन है जिसको अब मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल यहाँ पे कहा जा रहा है जिसको आप टॉप एंड मॉडल भी कह सकते हो इसकी जो रैम आपको मिलेगी वो मिलेगी ट्वेल्व गीगा एंड स्टोरेज मिलेगी टू फिफ्टी इसकी जो इंडियन रुपीस में इंडियन करेंसी में इसकी जो प्राइस सेट की गई है वो है 42,999। ये तो गए इसके रैम एंड स्टोरेज के हिसाब से इसके थ्री वेरिएंट्स। अब चलते हैं कलर के हिसाब से जो इसके वेरिएंट्स बन रहे हैं वो हैं टू जो फर्स्ट वन है वो आपको मिलेगा मैजिक ब्लू में एंड द सेकेंड वन इज द नोबल ब्लैक तो ये दो कलर वेरियंट्स जो है वो अवेलेबल है इसके बाद आगे चलते हैं इसके डिस्काउंट्स की तरफ ऑफर्स की तरफ के डिस्काउंट कैसे आप अवेल कर सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी यूजर्स शॉपिंग फॉर वी ट्वेंटी सेवन प्रो ऑनलाइन कैन अवेल अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड इंडियन रुपीस में ठीक है तो इंडियन रूपीज में थ्री थाउजेंड का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो कैसे वो आगे लिख रहा है जो फ्लैट डिस्काउंट ऑफ रुपीज इंडियन रुपीस थ्री थाउजेंड में आपको जो डिस्काउंट मिलेगा किस पे ऑन एच डी एफ सी एंड कोटेक महिंद्रा बैंक कार्ड्स ये थ्री बैंक हैं इनके कार्ड्स पे आपको ये जो थ्री थाउजेंड का जो है वो फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा ये आप अवेल कर सकते हो इसके बाद आगे वो कह रहा है कि वाइल हु बाय इट फ्रॉम सिलेक्ट रिटेल स्टोर्स कैन अवेल ऑफ कैश बैक ऑफर्स ऑफ अप टू रुपीज थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंडियन रुपीज तो कैश बैक ऑफर भी हैं इस पर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड की इंडियन रुपीज में uh, वो आप कैसे अवेल करोगे वो करोगे फ्रॉम आई सी आई सी आई कोटेक महिंद्रा बैंक एंड एच डी बी एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेस ठीक हो गया तो यहाँ से आप अवेल कर सकते हो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंडियन रुपीज का कैश बैक ऑफर्स हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ तो इस हैंडसेट में आपको मिलेगा ड्यूल सिम नैनो एंड वो कह रहा है कि ऑन ऑन विद फन टच टॉप इसके बाद कह रहा है इसमें जो फीचर्स आपको मिलेंगे फीचर्स मतलब स्पेसिफिकेशंस ही चल रही हैं इसकी जो डिस्प्ले को रिलेटेड डिस्प्ले से रिलेटेड यहाँ पे ये बता रहा है कहता है कि जो डिस्प्ले का साइज आपको मिलेगा वो मिलेगा सिक्स इंच फुल एच प्लस और ऑलेट डिज एमट डिस्प्ले सॉरी ऑलेट नहीं एमुलट डिस्प्ले होगा और इसका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो है 1080 थाउजेंड एटी क्रॉस टू थाउजेंड पिक्सल्स इसके बाद आगे वो कह रहा है कि जो आपको रिफ्रेश रेट मिलेगा डिस्प्ले का वो मिलेगा 120 ट्वेंटी हर्ट्स का आगे वो कह रहा है कि द फोन इज पावर्ड बाय अ फोर नैनोमीटर मीडिया टेक डिमेंसटी एटी टू हंड्रेड इसके बाद आगे वो कह रहा है कि कपल्ड विद अप टू वही बात कह रहा है कि जो टॉप एंड मॉडल है उसमें आपको जो रैम मिल रही है वो ट्वेल्व गीगा की मिल रही है और रैम किस तरह की होगी वो होगी एल पी डी डी आर फाइव इसके बाद नेक्स्ट आगे ऑप्टिक्स की तरफ ऑप्टिक्स मतलब कैमरा लेंसेज की तरफ आ रहा है तो इसमें कह रहा है कि जो आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा प्राइमरी कैमरा सेंसर मिलेगा जो कि बैक पैनल पे होगा वो मिलेगा फिफ्टी मेगा का सोनी आई एम एक्स सेवन डबल सिक्स वी विद ओ आई एस जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है ये आपको मिलेगी इसमें इसके बाद जो इसका ये तो प्राइमरी कैमरा हो गया 50 का। इसके बाद जो सेकेंडरी कैमरा है जो सेकंड सेंसर है वो आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का ठीक है 8 मेगापिक्सल का विद एन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो थर्ड वन है वो आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का सेंसर विद अ लेंस ये बैक पैनल पे आपको ट्रिपल रेयर कैमरा जो है बैक पैनल पे आपको मिलेंगे ठीक है मतलब थ्री कैमरा सेंसर्स मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट आगे वो कह रहा है कि जो फ्रंट पे आपको मिलेगा भाई फ्रंट पे 50 मेगापिक्सल का सेंसर है विद ऑटो फोकस ऑन द फ्रंट फॉर सेल्फीज एंड वीडियो कॉल्स ठीक है 50 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलेगा इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपका जो यहाँ पे टॉप एंड मॉडल है है उसकी जो स्टोरेज वो 256 तक ही आपको फाइव जी मिलेगा वाई फाई मिलेगा ब्लूटूथ फाइव पॉइंट थ्री मिलेगा जीपीएस मिलेगा बेडू मिलेगा ग्लोनेस मिलेगा गलीलियो मिलेगा मिलेगी आपको यूएसपी टाइप सी पोर्ट मिलेगा आर अमंग द कनेक्टिविटी ऑप्शन ये आपको सब कुछ मिलेगा इसके बाद आगे वो कह रहा है कि इसमें जो सेंसर्स हैं उसमें आपको एक्सेलटोमीटर मिलेगा ठीक है एक्सेलरोमीटर ठीक है मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा एक्सेलरोमीटर और उसके बाद सेकेंड वन इज द एम्बियंट लाइट सेंसर इसके बाद थर्ड वन आपको ई e कंपस फिर जायरोस्कोप प्रॉक्सिमिटी सेंसर आर अमंग द सेंसर्स ऑन बोर्ड ठीक हो गया इसके बाद नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा एंड नेक्स्ट चलते हैं आगे इसकी बैटरी की तरफ तो बैटरी कह रहा है कि इसमें आपको मिलेगी भाई फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एम की बैटरी बैटरी वैसे थोड़ी कम है आ, लेकिन इसके साथ आगे वो कह रहा है कि 4600 एमएएच की बैटरी के साथ कह रहा है कि विद 66 वॉट फास्ट चार्जिंग चलो फास्ट चार्जिंग इसने सपोर्ट दे दी है तो वहां पे थोड़ी कंपनसेशन हो जाएगी क्योंकि बैटरी के एमएएचस ने काफी कम रखा है काफी कम नहीं मतलब एक्सेप्टेबल है लेकिन फिर भी कम है आज के टाइम के हिसाब से मतलब एटलीस्ट सबसे कम जो है ना मिनिमम जो है 5000 एमएएच की बैटरी तो होनी चाहिए चलो इसने वहां से कंपनसेट कर दिया फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड की बैटरी के साथ जो सिक्सटी सिक्स वॉट की फास्ट चार्जिंग दे दिया तो वहां से चलो अप हो रहा है बाद बताई कह रहा है कि फास्ट चार्जिंग ये करेगा क्या दैट इज सेट टू डिलीवर अप टू फिफ्टी परसेंट चार्ज In as little as 19 minutes. तो 19 तो के अंदर आपका 50% परसेंट जो है वो सेल फोन चार्ज कर देगा क्योंकि यहाँ पे 66 सिक्स वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है वो आपको मिल रही है इसके बाद आगे वो कह रहा है कहता है कि ये जो आपका Vivo V27 Pro जो है इसमें आपकी जो इसकी जो डायमेंशन बताई हैं तो डायमेंशन में आ रहा है कि मतलब इसकी क्या लेंथ कितनी होगी वेथ कितनी होगी सारा कुछ वो बता रहा है थिकनेस कितनी होगी वो सारा बता रहा है तो डायमेंशन आपको मिलेगी 164.1 क्रॉस 74.8 क्रॉस 7.36 मिलीमीटर mm. और वेट जो होगा इस एंडसठ का वो होगा 182 एटी तो ये सारी डिटेल्स थी जहाँ पे मुझे लगा कि कहीं मेरी ज़ुबान स्लिप हुई है या कुछ मतलब यह है कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं रिपीट कर दिया था बीच में आ, लेकिन यह है कि फिर भी स्टिल अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो सो इन फिर ने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़